कैंग है एमसीयू का नया बैंग। थैनोस के बाद कैंग है एमसीयू का नया बड़ा विलन, मल्टीवर्स सागा का बिग बैड। पर थैनोस मर सकता है हर तरह से। That's America's ass. पर कैंग जितने बार भी मरेगा उतने बार उठ के बोलेगा, अभी हम जिंदा हैं। कैसे? क्योंकि कैंग के हैं बहुत सारे वेरिएंट्स और इनमें से कुछ एमसीयू में दिखे हैं या टीज हुए हैं। कौन कौन, प्लस क्या है एंटमैन वास्प क्वांटमेनिया के पहले इनिशियल नॉन स्पॉइलरी रिव्यूज, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अनदर रिव्यू। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का आ गए हैं इनिशियल रिव्यूज। हालांकि फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई और रिलीज होने वाली है 17 फरवरी 2023 को, लेकिन प्रीमियर स्क्रीनिंग्स में ये फिल्म लोगों ने देखी है जिनका रिस्पांस लार्जली पॉजिटिव ही है। जहां कई लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई है, इसे स्टार वॉर्स मीट मार्वल भी कहा जा रहा है या फिर बेस्ट स्टार वॉर मूवी आफ्टर वाइल कहा जा रहा है। ये फिल्म एक बेहतरीन साइंस फिक्शन और सुपर हीरो का अच्छा मिश्रण कहा गया है। कुछ लोगों को फिल्म ठीक लगी है पर लार्जली रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही है। यहाँ वहाँ के डिसअपॉइंटमेंट्स को छोड़ दे तो, जो होते ही हर फिल्म में, सबको थोड़ी ना पसंद आएगी फिल्म। पॉल रड की बहुत तारीफ हो रही है और मोडॉक को भी एक रिव्यूअर ने पसंद किया है, पर सारे रिव्यूअर्स में एक चीज कॉमन है, वो है जोनाथन मेजर्स का परफॉर्मेंस एज कैंग। मेजर्स से बेटर कोई कैंग हो ही नहीं सकता, सब मानते हैं। सबका मानना है कि कैंग एक खतरनाक विलन है जो एमसीयू की हीरोज को फोड़ देगा, और वो इसीलिए क्योंकि कैंग के हैं बहुत सारे वेरिएंट्स। कौन है ये वेरिएंट्स जो अभी तक दिखे हैं या टीज हो चुके हैं एमसीयू में? इन वेरिएंट्स का मेंशन ऑलरेडी कैंग का सबसे पहला वेरिएंट कर चुका है, वो है ही हू रिमेंस, जो लोकी सीजन 1 में दिखा था। ये बंदा कैंग का ही वेरिएंट था जिसने अपनी कहानी सुनाई थी। कैंग दूसरे मल्टीवर्सेस से अपने वेरिएंट से मिलने लगा और उनके बीच नॉलेज का आदान प्रदान होने लगा, पर कैंग के सारे वेरिएंट्स अच्छे नहीं थे जैसे कैंग खुद, और इन वेरिएंट्स के बीच एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो गया। तभी ही यू रिमेंस ने अपने वेरिएंट्स को मार के रियलिटी को लिखना शुरू कर दिया था ताकि वो खतरनाक वेरिएंट्स वापस ना आए। पर अब जब ही यू रिमेंस मर चुका है, खतरनाक कैंग्स आ रहे हैं। दूसरा कैंग वेरिएंट जो टीज हुआ है एमसीयू में ही यू रिमेंस के अलावा, वो था मून नाइट सीरीज में, जहां एक लड़के के जैकेट पीछे कुछ था और वो था एक चित्र। ये चित्र था रामटट का, कैंग का एक और वेरिएंट। ये कैंग वर्जन है एंशियंट इजिप्ट के राजा और था एक टायरेंट, जहां कैंग ने पास्ट में ट्रैवल करके अपने आप को इजिप्ट का एक राजा बना दिया था। ये पॉसिबिलिटी है कि रामटट दिख सकता है मून नाइट 2 में या फिर फैंटास्टिक 4 में एज अ विलन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक 4 1 में इंट्रोड्यूस होगा। नो प्रॉब्लम। इसके अलावा मिस मार्वल में दिखा ये ब्लू हाथ एक कैंग वेरिएंट का हो सकता है। इसी जगह से मिस मार्वल का कंगन उसकी दादी आयशा को मिला था, वो कैंग का ही कंगन है, शायद उस मल्टीवर्सल वॉर के अंश जो इस मरे हुए कैंग वेरिएंट के हाथों में है। एज अकॉर्डिंग टू मी, शांग-ची के 10 रिंग्स और मिस मार्वल का कंगन कैंग से रिलेटेड है। अब लोकी सीरीज के आखिर में एक और कैंग दिखता है जो कंफर्म करता है कि लोकी सीरीज में कैंग का एक और वेरिएंट दिखेगा, लेकिन सबसे पहला कैंग तो ओरिजिनल वर्जन था नेथानियल रिजर्ड्स, जो भी लोकी सीरीज 1 में टीज हो चुका है। बिफोर द टीवीए, अ वेरिएंट ऑफ माय सेल्फ लिव्ड ऑन अर्थ इन द 31st सेंचुरी। उसकी कंपनी कैंग कंपनी का टावर भी दिख चुका है लोकी सीरीज में। नथानियल रिचर्ड्स पक्का दिखेगा एमसीयू में, हो सकता है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में जब कैंग की ओरिजिन कहानी दिखाई जाएगी। नथानियल फैंटास्टिक फोर किरदार रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का वंशज है। एक और वेरिएंट जो लोग कहते हैं कि एमसीयू में दिख चुका है, वो है आयरन लैड का किरदार। लोगों का मानना है कि आयरन मैन 3 में दिखा बच्चा हार्ली, जिसे निभाया था एक्टर टाई सिम्पकिंस ने, जो दिखा था टोनी स्टार के फ्यूनरल में भी, वही होगा एमसीयू का आयरन लैड। पर मुझे नहीं लगता कि सिम्पकिंस का किरदार आयरन लैड होगा। आयरन लैड है नथानियल रिचर्ड्स का यंगर वर्जन, जो अपने खतरनाक वेरिएंट्स को हटाने के लिए पास में जाके यंग एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर बनता है, जो टीम अप ऑलरेडी स्लोली टीज हो रही है एमसीयू में विद हैरी स्टाइनफेल्ड एज केट बिशप हॉकाई सीरीज में, बिली टॉमी वांडा विजन में, कैथरीन न्यूटन एज कैसी लैंग एंटमैन वास्प क्वांटमेनिया में, ज़ोटल गोमेज़ एज अमेरिका चावेज़, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, डोमिनिक थ्रॉन एज रीडी विलियम्स ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। तो इन सारे किरदारों का प्रेजेंस प्रूव करता है यंग एवेंजर्स का कुछ प्रोजेक्ट बन तो रहा है। वैसे आयरन लैड का कैसी लैंग से रिलेशनशिप भी होता है कॉमिक्स में। आई थिंक जो भी आयरन लैड होगा वो पर्सन ऑफ कलर ही होगा, जोनाथन मेजर्स की तरह, क्योंकि उसी का यंगर वर्जन प्ले कर रहा होगा वो बंदा। इसके अलावा कैंग के कई और वेरिएंट्स भी हैं कॉमिक्स में जो एमसीयू में अभी तक नहीं दिखे। इमॉर्टल्स
विक्टर टाइमली, स्कारलेट सेंचुरियन, मिस्टर ग्रिफिन, तो ये सब और भी ज्यादा दिख सकते हैं एमसीयू में। और कैंग अपना काउंसिल भी खोल सकता है कॉमिक्स की तरह, जिसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ कैंग्स, जहां सारे कैंग यानी बहुत सारे जोनाथन मेजर्स एक साथ दिखेंगे। इंटरेस्टिंगली कैंग की बीवी ऑलरेडी टीज हो चुकी है लोकी सीरीज में, जो की है रेवोना रेंसलेयर, जिसे निभाया था गुगु एम्बाथा रो ने लोकी में। तो कैंग की दुनिया धीरे धीरे बन रही है एमसीयू में, और जितने बार भी मरेगा कैंग उतने बार ही उठ के बोलेगा भाई साहब अभी हम जिंदा है। कुछ रीसेंट वीडियो जैसे डीसी न्यूज लेट ब्रेकडाउन, शज़ाम ट्रेलर ब्रेकडाउन, वेयर वंडर वुमन इज बैक वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और एंटमैन वॉस क्वांटमेनिया से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, लाइक सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा और देखते रहिए जस्ट अनदर रिव्यू। जस्ट अनदर रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNerdyDiary.blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।